टू माय चैनल। जिन लोगों को टिंडे की सब्जी नहीं पसंद है उन्हें ये रेसिपी देख करके टिंडे भी पसंद आ जाएंगे। इसमें मैंने भरवा टिंडे बनाए हैं और ये बहुत ही टेस्टी और बढ़िया बनके तैयार होता है। एक बार आप ज़रूर इसको ट्राई करें, बच्चे के साथ साथ बड़ों को भी, ये दोनों को ही पसंद आएगा। इसमें हम मीडियम साइज के टिंडे को लिए और उसके अच्छे से हम ऊपर से कवर सारे छील लिए हैं। देखिए एक बराबर हम इसको चारों तरफ से छील लेंगे और इसमें टिंडे को हम ज़्यादा कड़ा नहीं लेंगे, ये टिंडे थोड़ा सॉफ्ट ही होना चाहिए जिससे हम गलेगा अच्छे से। और इसके ऊपर को हम अच्छे से एक बराबर गोलाई से कट कर दें क्योंकि हमें इसमें भरवा बनवाना है। ये देखिए इस तरह से हम इसको कट करेंगे और एक कटर, जो आलू के कटर या किसी चम्मच से के गोलाई से ऐसे घुमाते हुए सारे इसके अंदर के गूदे को हम निकाल लेंगे। अगर सॉफ्ट गूदा रहे तो उसको हम रख भी लेंगे भरने के लिए वापस मिक्स करके, अगर हार्ड रहे और बीज वाला रहेगा तो उसको हम निकाल देंगे, नहीं तो वो टेस्ट फिर उसके अच्छे नहीं लगते हैं। देखिए ये थोड़ा सा ठीक है इसके अंदर के, इसके चारों तरफ से कटर से घुमा करके हम इसको निकाल लेंगे और इसको हम इसके बाद पनीर में सारे मिक्स करके भरेंगे। ये देखिए चारों तरफ से हम ऐसे गोल करके निकल गया है। ये देखिए कितना अच्छा से इसमें गोलाई से चारों तरफ से हमने इसको निकाल दिया है। बाकी के टिंडे को भी इसी तरह हम निकाल लेंगे और इसी तरह सबके एक एक ढक्कन की तरह ही बना देंगे। और जो टिंडे के हमने अंदर से गूदे निकाला उसको छोटे छोटे कट कर देंगे, बारीक बारीक इसको कट कर देंगे, नहीं तो ये मोटा मोटा रहने पर इसका टेस्ट थोड़ा सा अलग ही लगेगा। देखिए एकदम बराबर ये कट हो गया है और इसके बाद हम इसको एक बाउल में रख लेंगे। इसको जब हम दबाएंगे तो इसमें सारे पानी भी निकल जाता है और जो हमें कड़े बीज की तरह दिखे उसको भी निकाल लेंगे। देखिए थोड़े से हम इसको दबाते हैं तो पानी भी आ जाता है, पानी को हम निकाल लेंगे। और इसके बाद अब हम इसमें स्टफिंग की तैयारी करेंगे। इसको पनीर को अच्छे से हम ग्रेट कर लिए, ये हमारे घर की पनीर है, चाहे तो आप मार्केट से भी ले आ सकते हैं। 50 ग्राम ये पनीर है और इसमें इसके टिंडे के अंदर के जो हमने गूदे निकाले थे उसमें अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे और कुछ मसाले भी ऐड करेंगे और छोटे कटे कटे बारीक प्याज, हरी मिर्च और थोड़े से अदरक भी ऐड करेंगे, हाफ टी स्पून लाल मिर्च, हाफ टी स्पून गरम मसाला, इसमें हाफ टी स्पून फिर हम जीरा पाउडर, हाफ टी स्पून धनिया पाउडर और हाफ टी स्पून ही हल्दी भी मिलाएंगे इसमें हम। सारे चीज़ों को ब्लैक पेपर भी हाफ टी स्पून मिलाएंगे, सारे को हम अच्छे से फिर मिक्स कर लेंगे। नमक अपने अकॉर्डिंग ही मिलाएंगे, नमक हम हाफ टी स्पून ही करेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा नमक डालने से अभी हमें ग्रेवी में भी इसके डालना है नमक, इसी कारण हम थोड़ा कम ही नमक अभी डालेंगे और इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। इसको मिक्स हम अच्छे से करेंगे ताकि हमें इसका भरवा अच्छे से बने। ये देखिए अच्छे से हमारा मिक्स हो गया है। अब हमें एक टिंडे को लेंगे और उसमें सारे स्टफिंग को हम भरेंगे।
पहले थोड़े से चम्मच से ही हम इसको भर देंगे। इसके बाद थोड़े से हथेली उंगलियों से दबा करके इसको थोड़े से दबा लेंगे इस तरह से और भर देंगे। ये बराबर ही भर जाएगा। और इसके बाद इसके ही जो कवर थे, कटिंग किए हुए थे, उसी को साथ में इसको ढक देंगे। बाकी भी दूसरे टिंडे को इसी तरह हम भर देंगे। इसका टेस्ट बहुत ही बढ़िया टिंडे का आपको पता भी ना चलेगा कि ये हमने टिंडा का बनाया है। और जिन लोगों को टिंडे से एलर्जी है उससे भी ये टिंडे की सब्जी बहुत ही पसंद आएगी। आप एक बार ज़रूर बना करके ट्राई करें। अब हम इसको बंद करने के लिए हम एक टुप्पी को छोटे छोटे टुकड़े में कट कर लिया और इसको चारों तरफ से हम बंद कर लेंगे। लेकिन जब हम सर्व करेंगे तो इस टुप्पी को ही जल्द निकाल के ज़रूर ही सर्व करेंगे। ये बराबर हम सारे में देखिए टूथपिक लगा दिए हैं। अब इसको हम फ्राई के लिए, ये हमारा टिंडा तैयार है। इसमें हमने एक आलू को भी कट कर लिया था इसी तरह छील करके बराबर, और उसको हम डीप फ्राई कर लिए हैं। अगर आलू आपको नहीं पसंद है तो आप नहीं भी डाल सकते हैं, लेकिन हमने एक आलू को डाला है। इसके बाद हम सारे टिंडे को इसी तरह फ्राई कर लेंगे धीरे धीरे, और इसको एक बराबर हम रख करके कम से कम 10 मिनट के लिए जरूर इसको गोल्डन ब्राउन होने देंगे। एक दो बार इसको उलट पलट कर जरूर कर दें ताकि ये दोनों साइड से ब्राउन अच्छे से हो जाएगा। देखिए इसके बाद जब तक हमारा ये ब्राउन होता है तब तक हम इसकी ग्रेवी बनाएंगे। इसमें छोटे छोटे दो टमाटर को हमने लिए कट किया है और प्याज हल्के गोल्डन ब्राउन दो लिए हैं और दो चम्मच दही और थोड़ी सी हमने पुदीना को ऐड किया और इसको पीस लिया है। इसके बाद इसी ग्रेवी में हम 1/2 टीस्पून लाल मिर्च, 1/2 टीस्पून हल्दी, 1/2 टीस्पून धनिया, 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर और इसके बाद हम जीरा 1/2 टीस्पून लेंगे। नमक अपने अकॉर्डिंग ही लेंगे। और इधर हमारा ये टिंडा भी फ्राई हो गया और इसको हम निकाल लेंगे। और इसके तड़के के लिए हम हरी मिर्च और जीरा, तेज पत्ते को ऐड कर और बाकी जो हमारे मसाले थे उसको उसमें ऐड कर लेंगे। देखिए इसका कलर कितना बढ़िया मसाले का आया है। और थोड़ा सा हम पानी जरूर डालेंगे और ग्रेवी इस तरह हल्के से एक उबाल आने पर हम इसमें टिंडे को भी ऐड कर देंगे। कम से कम इसको हम आलू को भी डाल देंगे और 10 मिनट के लिए हम इसको पकने देंगे। ये हम टिंडे एकदम बन के तैयार है ना, बहुत अच्छा। ये खाने में भी उतना ही टेस्टी लगता है। एक बार आप ज़रूर इसको ट्राई करें। और जब हम प्लेटिंग करते हैं तो इसमें थोड़ी सी क्रीम को ऊपर से ऐड कर लें और धनिया पत्ता भी ज़रूर डालें। और थोड़े से हमने फ्राई किए हुए ऊपर से प्याज को ऊपर से ऐड कर लिया है और धनिया पत्ता भी डाला।
ये डिश आपको कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करना न भूलें। थैंक यू।